यह है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी, युग्मकों के शुद्धता का नियम। इस बार यह क्वेश्चन पूछा गया यानी कि 2000 ईपी बोर्ड 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया पृथक्करण का नियम। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है थोड़ा था टर्म था, यानी कि उसमें थोड़ा सा घुमाव दिया था। और यहाँ पे पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम न देकर इसने नाम दिया था वियोजन। ठीक है, वियोजन का नियम। ठीक है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे, एनसीईआरटी का टर्म है यह वियोजन। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अगर हम पृथक्करण के नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिक्स को देखते हैं तो इसमें क्या होता है। देखिए, अभी हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा है और हमने उसमें पढ़ा है कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराई जाती है, दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराई जाती है तो F1 जनरेशन में हमेशा हमें एक जैसे पौधे प्राप्त होते हैं। एक जैसे प्लांट क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब यह जो एक जैसे प्लांट प्राप्त होते हैं, जैसे यहां पे देखिए हमने लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराई है तो F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे कैसे हैं, लंबे। लेकिन यह जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो प्लांट प्राप्त होता है F1 जनरेशन में, इसमें दोनों के जीन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सभी के सभी पौधे लंबे पाए गए हैं, ठीक है, सभी के सभी पौधे कैसे हैं, लंबा है। और सभी के सभी पौधे अगर लंबे पाए गए तो यहाँ पे हम देखें इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल टी जीन जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस या लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल टी जीन जो है यह बौनेपन यानी कि बौने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दोनों के दोनों जीन पाए जाते हैं, लंबे का भी जीन पाया जाता है और बौने का भी जीन पाया जाता है। और यह दोनों जीन एक साथ काफी लंबे समय के लिए एक साथ रहते हैं। लेकिन जब इनका गैमिक्स बनाना होता है, जब इनके बीच में गैमिक्स बनाना होता है तो यह दोनों जीन स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, या युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां पे अगर हम देखें तो यह देखिए, यहाँ पे हम F1 जनरेशन के दो प्लांट को ले रहे हैं, ठीक है, एक यह और एक इसको सिलेक्ट करना है, सभी लंबे हैं। लेकिन इसमें कैपिटल टी जीन भी है, स्मॉल टी जीन भी है, लंबेपन का भी जीन है और बौनेपन का जीन है, इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराते हैं या एक समान पौधे के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को हम सेल्फ क्रॉस कहते हैं। और सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हमें गैमिक्स बनाना होता। तो गैमिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक जगह कैपिटल टी और एक जगह स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे दोनों जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। यहाँ पे भी देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो गए। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या वियोजन का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं तो यह जो जीन है, अगर हम देखते हैं जब इससे क्रॉस करता है तो कैपिटल टी जीन प्राप्त होता है, या जब इससे क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और या इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। यह जनरेशन जो होता है यह F2 जनरेशन होता है। तो अगर हम F2 जनरेशन में देखें तो
तो यहाँ पे जो दो कैपिटल टी जीन है, यह जब दोनों कैपिटल टी जीन है तो हम यह देखते हैं कि यह शुद्ध लंबा प्योर टॉल प्लांट प्राप्त हुआ। यहां जब देखते हैं तो स्मॉल टी यह शुद्ध बोना प्लांट प्राप्त हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर यह दोनों जीन एक साथ काफी लंबे टाइम तक रहते हैं तो यह जीन के जो कैरेक्टर्स हैं यह आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, यह एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन अलग अलग, आपस में यह दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जब मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह दोनों जीन यह बोने के लिए यह लंबे के लिए दोनों जीन F1 जनरेशन में मिलते हैं और F1 जनरेशन में काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे में घुलते नहीं है, ये अलग रहते हैं। जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जब इसकी अब कैसे पता करें कि ये सच में अलग हो गए, तो हम F2 जनरेशन से प्राप्त करते पता कर सकते हैं। अगर हम F2 जनरेशन में देखें कि अगर हमें एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, इसका मतलब यह है कि यह दोनों जीन जो थे वह अपने अपने लक्षणों के लिए प्योर है, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना ही पृथक्करण के नियम में हमने क्या देखा कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराई जाती है तो F1 जनरेशन में एक समान पौधे प्राप्त होते हैं जिसमें दोनों के जीन होते हैं, प्रभावित तथा अप्रभावित दोनों लक्षणों के जीन होते हैं और यह जीन एक साथ काफी लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन जब F2 जनरेशन के लिए इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराई जाती है और उसके लिए गैमिक्स बनाई जाती है तो दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। थैंक यू।